तो कल तीसरे चरण का मतदान होना है, 17 सीटों पर ये मतदान होना है। न्यूज 11 भारत भी आप सभी से अपील करता है कि आप भी मतदान करें, बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो। और सबसे पहले जो स्लोगन है, जो हमेशा से हम कहते आए हैं कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, और यही अपील लेकर हमारे पांडे जी भी निकले हैं लोगों के पास वोट की अपील करने के लिए कि वो भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सीधा रुख करेंगे सहयोगी पांडे जी के पास। मैं इस वक्त खिजरी विधानसभा में हूँ। ये टाउन का इलाका है लोगों का, और जो यहाँ पे हैं वो कम मतदान करते हैं, 45% 48% जाते जाते हाफे लगता है लोग। इसीलिए हम लोग आए हैं ताकि सबसे ज्यादा लोगों को ये बताए कि मतदान करना है। सब कोई मेरे साथ आज शपथ लेगा कि कल मतदान करेगा। सबको हाथ ऐसे कीजिए, कल हम सब बोलिए जोर से, सुबह सुबह उठकर मतदान करने जरूर जाएंगे। जब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे तब तक दूसरा काम नहीं करेंगे। देखिए, ये इस बार लोगों का है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट करने जाएंगे। लेकिन राजदा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम एक आदमी से ऐसे मिले हैं जो इनको हर बार सर्टिफिकेट मिल रहा है। पिछले 3 बार से ये हो रहा है, फर्स्ट वोटर का सर्टिफिकेट इनको लगातार, चूंकि वो 2 साल से इनको पता चला, इनको मिला है। आपको जब फर्स्ट वोटर का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? एकदम सवेरे सवेरे उठ के बिना कुछ किए बिना चल जाते हैं इस, मतलब कि फॉर्मूला का करते हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो ये आप उसे कर रहे हैं जब सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, या सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए? नहीं, पहले से भी करते थे, लेकिन पहले एक आध दो आगे पीछे हो जाते थे, लेकिन 2 बार से लगातार मतलब कोशिश हो रही है, उसमें सफलता मिल रही है। आपका नाम क्या है? विजय। जाते हैं हमेशा वोट? हाँ, हमेशा वोट देने जाते हैं। इस बार भी जाएंगे? इस बार भी जाएंगे। आसपास का भी लोगों को लेके जाएंगे? सबको लेके जाएंगे। आपका? सोहन। आप वोट देने जाते हैं? जाते हैं। इस बार जरूर जाएंगे? जाएंगे। हाँ, सबको ही वोट दीजिए। तो यहाँ ये खिजरी का इलाका है, सभी लोग जो मेरे आसपास हैं उन्होंने शपथ लिया एक तरह से कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाएंगे, हर कोई जाएगा घर से वोट देने। जी पांडे जी, जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, हम उम्मीद करते हैं यही उत्साह कल भी बरकरार रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाले और इसमें अपनी सहभागिता दिखाए। ये आप वोट देने जाते हैं कि नहीं? एकदम जाते हैं वोट देने। आपका पेट देख के लग रहा है कि वेट ज्यादा है, तो आज पेट मर्द का पेट नहीं तो वोट का पेट रहना। तो आपका जब वेट ज्यादा है शरीर का, तो बात का भी वेट ज्यादा होगा। एकदम वेट ज्यादा, तो सब मोहल्ला में घूम घूम के बोलिएगा ना कि चलो भाई वोट देने। हर मोहल्ले में हम लोग वोट डालते हैं, सबको बोलते भी है, हम लोग कोई छूटे नहीं, कोई नहीं छूटता है, सबको वोट डालता है। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है कि भाई हम तो वोट देते ही है, इस बार हर मोहल्ला में घूम घूम के कहेंगे कि चलिए वोट देने। जी, और ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, तो जरा ये भी उनसे पूछ ले कि अपनी घर की जो महिलाएं हैं उन्हें भी सुबह सवेरे अपने साथ लेकर के जाए और उन्हें भी वोट दिलवाए। आप अपना वाइफ को भी बोलिएगा ना वोट देने के लिए। हम लोग को जाते हैं, घर का जितना सबको जाता है। हाँ, ये नहीं कि खाली पुरुष मारे महिला लोग नहीं मारे। नहीं, सब मारता है, सब मारता है। ठीक है, ये लोग तो कह रहे हैं कि महिलाओं को भी कहेंगे, ऐसा नहीं ना कि तुम खाना बना के आना, ये सब वैसा नहीं होता। खाना पर वोट मारते हैं, उसके बाद में खाना बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि खुद भी मारेंगे, दूसरे को भी कहेंगे, और अपने परिवार में कह रहे हैं कि आधी आबादी जो कह रहे हैं उनको भी वोट देने ले जाते हैं। पहले हम लोग वोट देते हैं, फिर खाना और बनाना, ये सब रहता है। बिल्कुल, उत्साह तो पूरा देखने को मिल रहा है और उम्मीद करते हैं पांडे जी कि जिस तरीके से दूसरे फेज में जो मतदान का प्रतिशत रहा वो संतोषजनक नहीं था, और खिजरी विधानसभा सीट जहां पर आपने पहले ही कहा है कि लोग थोड़े स्लो मोशन में रहते हैं, थोड़ा सुस्ता कर वहां पे जाते, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जब वहां पर मौजूद हैं और लोगों को आपने शपथ भी दिलाई है तो अच्छी खासी प्रतिशत वहां पर वोट की देखने को मिलेगी। बिल्कुल, लोगों से अपील कर रहा हूं मैं, और लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि इस बार वोट करेंगे, सुस्ताएंगे नहीं घर में, चाहे ठंडा पड़े या गर्मी लगे, वोट जरूर देने जाएंगे।
तो लोगों का मन मिजाज क्या देखने को मिल रहा है वहां पर? लोग अभी तो कह रहे हैं कि सभी कोई जाएंगे वोट देने, और ये लोग वैसे लोग हैं जो कह देते हैं तो बात। ये चाचा सबसे चौक के पुराने आदमी, आप वोट बताए जाते हैं कि नहीं? बिहार में जाते हैं। बिहार में? यहाँ झारखंड में नहीं है? अच्छा, तो आप कम से कम सबको बोलिएगा कि चलो वोट देने। हाँ जरूर बोलेंगे। हाँ, सबको घूम घूम के वोट कराइएगा। चुनाव आयोग का शिकायत है यहाँ कम लोग आलसी है, बहुत ज्यादा यहाँ का। ना ना, आलसी ना, सब लोग देते हैं। देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ कहीं और जाऊंगा जी, ताकि वहाँ के भी लोगों को कुछ जागरूक करूँ, कुछ वोट देने के लिए उनको भी उत्साहित करूँ। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि नोटा के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए कि नोटा भी है अगर कोई उम्मीदवार नहीं है तो। ये भी अगले विधानसभा में कहीं देख लेते हैं। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि आप किसी और जगह भी जाएं, वहां पर लोगों को जागरूक करें कि वो वोट जरूर दे। इसी अपील के साथ आपको तो हम छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी तमाम बातचीत के लिए और लोगों से ये अपील करने के लिए।